जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जितवा चुके हैं टीम इंडिया को, महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने बीते रविवार को ही अपनी शादी के 11 साल पूरे किए हैं। 2004 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी के साथ शादी की थी। शादी के 11 साल पूरे होने के बाद फैंस और साक्षी को सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां दे रहे थे। इस मौके पर साक्षी ने आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। सीएसके ने अपने सोशल मीडिया पर रविवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें माही की पत्नी ने धोनी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई अनसुने किस्से बयां किए। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर रूफा रमानी के साथ बातचीत के दौरान साक्षी ने इस बात का भी खुलासा किया कि धोनी ने लॉकडाउन के दौरान किस तरह से अपना खाली समय बिताया था, क्योंकि हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड रहेगा कि कैप्टन कूल जो मास्टरमाइंड तरीके से सोचते हैं वो अपना खाली समय कैसे बिताते हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही धोनी के पबजी जैसे वीडियो गेम खेलने और इस गेम में से उन्हें कितना प्यार है इस बारे में उन्होंने बात की। साक्षी ने कहा कि आप उन्हें जानते ही हैं कि माही का दिमाग हमेशा चलता ही रहता है, उन्हें आराम नहीं मिलता, इसलिए मैं सोचती हूं कि जब वह कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी या कोई और वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो इससे उन्हें अपना ध्यान कहीं और लगाने में मदद मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट नहीं होती हूँ क्योंकि यह मेरे बेडरूम तक घुस आया है। आजकल तो पबजी मेरे बेड तक पहुँच गया है और कई बार मुझे लगता है कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वह फोन लगाकर गेम खेलते रहते हैं और लोगों से बात करते रहते हैं। इन दिनों तो वह रात में सोते हुए भी नींद में केवल पबजी के बारे में ही बात करते रहते हैं, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। दोस्तों, पबजी का नाम BGMI हो गया है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, पूरे भारत देश में इसने धूम मचा रखी है, बैटल ग्राउंड मोबाइल ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ धोनी बहुत ही कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर उन्होंने हाल ही में पत्नी साक्षी को एक विंटेज कार भी गिफ्ट की है। साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्पेशल गिफ्ट की फोटो भी पोस्ट की है। इस एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए उन्होंने धोनी को शुक्रिया भी कहा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद धोनी अब केवल आईपीएल के लिए ही सीएसके की टीम से खेलते नजर आते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।